भैया देख बिना ब्रेक के। डाउनलोड टक ऐप। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव धीरे धीरे चरम की तरफ बढ़ रहा है। अमेरिका के मुकाबले ईरान की ताकत देखी जाए तो बहुत कम है। फर्क बस ये है कि इराक में अमेरिका का विरोध बढ़ा है और इराक पड़ोसी देश ईरान के पक्ष में खड़ा हुआ है। रूस और चीन जैसे देश भी अंदर से अमेरिका के खिलाफ खड़े हैं। करीब 9 करोड़ की आबादी वाले ईरान के पास करीब 8 लाख सैनिक हैं। ग्लोबल फायर पावर ने अपने सर्वे में ताकत के मामले में जहां अमेरिका को नंबर 1 पर रखा है तो वहीं ईरान को 13वां नंबर दिया है। अब आपको दिखाते हैं कि किसके पास है कितनी ताकत। अमेरिका की थल सेना की बात की जाए तो यूएस के पास 21 लाख से ज्यादा सैनिक हैं, जबकि ईरान के सैनिकों की संख्या करीब 9 लाख है। यानी अमेरिका के पास ईरान के दोगुने से भी ज्यादा सैनिक हैं। युद्धक टैंक देखें तो अमेरिका के पास इनकी संख्या है 6000 से ज्यादा, जबकि ईरान के पास सिर्फ 1643 टैंक है। वहीं वायुसेना की बात करें तो अमेरिका के पास 6000 से ज्यादा हाईटेक फाइटर प्लेन हैं, वहीं ईरान के पास बहुत कम महज 319 लड़ाकू विमान है। एयरक्राफ्ट करियर की बात की जाए तो अमेरिका के पास 24, जबकि ईरान के पास एक भी नहीं है। जल सेना की बात की जाए तो अमेरिका के पास 68 और ईरान के पास 34 सबमरीन है। और सबसे बड़ी बात परमाणु बम की। अमेरिका जहां 6000 से ज्यादा परमाणु बमों से लैस है तो वहीं ईरान अभी बम बनाने की शुरुआती दौर में है। यानी अमेरिका की परमाणु ताकत के सामने दूर दूर तक ऐसे छोटे मोटे देश कहीं नहीं है। मिसाइलों की बात की जाए तो ईरान के पास छोटी और मध्यम दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें हैं, लेकिन पहुंच अमेरिका तक नहीं है। वहीं अमेरिकी मिसाइलों की मारक क्षमता ईरान की तुलना में कहीं ज्यादा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अमेरिका से पंगा लेना ईरान को बहुत भारी पड़ सकता है। अमेरिका ने 1945 में जापान में परमाणु बम से हमला करके भयंकर तबाही मचाई थी, लेकिन इस बार अगर वो परमाणु का इस्तेमाल नहीं भी करता है तो भी ईरान को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। ईरान बुरी तरह परास्त हो जाएगा और अगर कोई बड़ा देश उसके साथ खड़ा नहीं हुआ तो उसका सरेंडर करना निश्चित है।